नोटबंदी के बाद इन 9,500 कंपनियों ने गैर कानूनी ढंग से बदली थी पुरानी करेंसी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 9,500 गैर बैंकिंग क्षेत्र की ऐसी वित्तीय कंपनियों की सूची सार्वजनिक की है जिसे उसने बड़े खतरे वाली वित्तीय संस्थाओं की श्रेणी में शामिल किया है। वित्त मंत्रालय के खुफिया विभाग फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने इन कंपनियों को हाई रिस्क कैटेगरी में शामिल करते हुए कहा है कि इन कंपनियों को 31 जनवरी 2018 तक मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के नियमों का पालन करते नहीं पाया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने 9,500 गैर बैंकिंग क्षेत्र की ऐसी वित्तीय कंपनियों की सूची सार्वजनिक की है। मैं सिद्ध खान कैमरा पर्सन शिवा के साथ RI24 न्यूज दिल्ली। पीएनबी घोटाले का असर, फ्रॉड से खुद का हो रहा नुकसान, ऐसे कम करेंगे बैंक्स। पंजाब नेशनल बैंक में हुए 11,400 करोड़ रुपए के महा घोटाले के बाद बैंक सतर्क हो गए हैं। एक और कड़ा कदम उठाने की योजना बनाई है। अब बैंक अपने कर्मचारियों की गलती से होने वाले फ्रॉड की वजह से हो रहे नुकसान को कम करने के लिए बीमा कवर बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। पंजाब नेशनल बैंक में 11,400 करोड़ रुपए का महा घोटाला के बाद बैंक सतर्क हो गए हैं। मैं भावना पंत कैमरा पर्सन शिवा के साथ RI24 न्यूज दिल्ली।